और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आज गया दौरा है। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा और फतेहपुर में जनसभा को तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं। मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप इसको बोल रहे हैं, आटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं? कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं? तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप मौसमी सनातनी लोग हैं ना भाई, यही तो साबित हुआ ना आईक्यू टेस्ट में। आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है। तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा नहीं। तेजस्वी जी, और आप लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से हम जो है मुकेश साहनी जी के साथ जा रहे हैं। ये तो एक केवल टेस्ट था कि लोगों को भाजपाइयों का सच्चाई जो है वो पता चले। तेजस्वी के टेस्ट में भाजपा हम फेल हो गई, पास हो गए। आप जज हैं, उसमें डेट मेंशन था और कितने प्रमुखता से सब चिल्ला चिल्ला करके सब बोल रहे इस विषय में। तो यही तो कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते, समाज में जहर बोने की बात करते हैं। हम लोग पे शक कर रहे हैं कि हम लोग हैं कि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि औरों का क्या करते होंगे बेचारे। उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, किन चीजों का ख्याल आप लोगों ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, कि किन चीजों का ख्याल रखा गया है? पार्टी निर्णय लेगी है ना, कोई छोड़ा का है? पार्टी जो है विचार कर रही है अपने, हर चीजों का समय होता है पार्टी के हिसाब से। चुनाव प्रचार अपने चरम पे है, कांग्रेस के नेता आपके साथ या कहीं चुनाव प्रचार में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? सब आएंगे, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? जहाँ जिला में जा रहे कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे हैं क्या आपको? और जब राहुल गांधी जी भी आएंगे तो साथ हम लोग करेंगे, राहुल जी के साथ पूर्णिया में प्रचार करेंगे। आ रहे। तो आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट और इसमें सिलसिलेवार तरीके से वो नाम, अररिया से शहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया गया है और साथ ही शिवहर से ऋतु जायसवाल आरजेडी उम्मीदवार, अररिया से शहनवाज आलम, तो वहीं 22 ऐसे नाम जारी किए गए, यानी कि लिस्ट जारी की गई जिसमें 22 नाम है उम्मीदवारों की। यह लिस्ट